छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी लौटे अपने धाम, भक्तों के चेहरे में आई मुस्कान। रसोईया लोग हो रहे हैं दर दर भटकने को मजबूर, नहीं मिल रही है न्याय। बस्तर सांसद व नारायणपुर विधायक विकास खंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में हुए शामिल। संसदीय सचिव रेखचंद जैन के भागीरथी प्रयासों से 4 ग्रामों में 2,76,00,000 से पहुंचा नल जल योजना। अब खबरें विस्तार से। 28 जून को भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहनों के साथ द्वारिकापुरी शिरासार भवन से अपने घर स्वामी जगन्नाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। आइए अब कुछ भव्य तस्वीरें दिखाते हैं भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई। आज बहुड़ा गुंचा का पर्व है। 9 दिन तक भगवान श्री मंदिर से अपने मौसी के घर में रहे, वहाँ पर धूमधाम से पूजा पाठ महोत्सव हुआ। आज उनकी वापसी हो रही है, वो भी बड़े जोर शोर से हमने तैयारी की है। भगवान अभी रथारूढ़ होने वाले हैं और नगर भ्रमण करते हुए अपने श्री मंदिर को वापसी होने वाले हैं। अभी वापसी के पश्चात यहाँ पर माता लक्ष्मी के साथ संवाद होगा आपस में भगवान और श्री लक्ष्मी जी का। फिर महाआरती होगी, उसके बाद भगवान अंदर अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो आज अपने भाई बहन को साथ लिए भगवान जगन्नाथ मौसी के घर यानी गुड़ीचा मंदिर से रवाना हुए और इसी के साथ गुड़ीचा से जगन्नाथ मंदिर तक जाने वाली बाहुड़ा यात्रा शुरू हुई। जगन्नाथ की वापसी के मौके पर बाहुड़ा रथ यात्रा उत्सव पूरे भक्ति भाव के साथ शुरू हुआ। भारी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य की घर वापसी की यात्रा में इकट्ठे हुए। भगवान जगन्नाथ के मंदिर लौटने की खुशी में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बस्तर गुंचा के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए टेंपल कमेटी एवं जन प्रतिनिधियों ने हमारे चैनल से बात की। बस्तर वासियों के लिए, खासकर अरण्य 360 घर ब्राह्मण समाज के लिए एक हमारे ऐतिहासिक गुंचा का 315 साल पहले से जो शुरू हुई है रियासत काल से, जिसका आज बाहड़ा गुंचा के रूप में बस्तरवासी और ब्राह्मण समाज के द्वारा बनाई जा रही है, वो हमारे बस्तर के लिए, खासकर जगदलपुर के लिए हमारे गौरव के विषय है। इस अवसर पे सभी बस्तरवासियों को और हमारे अरण्य ब्राह्मण समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का घर वापसी का दिवस है और पूरे बस्तरवासी बड़े धूमधाम से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और आज रथ यात्रा से घूमकर जब अपने वापस अपने घर को पहुंचेंगे और देवसैनी स्थिति में चले जाएंगे और अब देव उठनी एकादशी को ही वो फिर जागेंगे, इस पीरियड में कोई शुभ काम नहीं होता है। आज के इस अवसर पर सभी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। विगत 615 वर्षों से बस्तर में जो ऐतिहासिक गुंचा पर्व मनाया जाता है, जिसमें 360 घर अरण्य ब्राह्मण समाज लोगों के द्वारा बनाया जाता है और आज जो है भगवान फिर से वापस अपने घर जाने वाले हैं। आज 9 दिन के पहले स्वास्थ्य ठीक होने के बाद वो जो है जनकपुरी में दर्शन देने के लिए आए थे, आज भगवान अपने घर वापस जाएंगे। गुंचा महापर्व 21 तारीख से चालू हो गए, 27 तारीख तक अमनिया का भोग भगवान को लगातार चढ़ता रहा और आज बावड़ा गुंचा के अवसर पर भगवान का रथ परिक्रमा जनकपुरी से होते हुए अपने श्री मंदिर में चला जाएगा और भगवान जब श्री मंदिर जाएंगे तो लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी के बीच में वाद विवाद होगा। उसके बाद जगन्नाथ भगवान बलभद्र स्वामी और सुभद्रा मैया श्री मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद कल से देवसैनी एकादशी है, उसके बाद हमारा जो शुभ कार्य है वो बंद हो जाएगा। आज का जो गुंचा का कार्यक्रम है
भगोड़ा गौंचा है। भगोड़ा गौंचा में भगवान जनकपुरी से अपने मंदिर में विराजमान होते हैं। जब भगवान यहाँ से जाते हैं तो क्या है, लक्ष्मी जी के साथ संवाद होता है, वाद विवाद होता है, और उसके बाद मान मनोबल के बाद भगवान अपने गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद पूजा पाठ होता है, आरती होता है। अब आज का कार्यक्रम उतना ही, और उसके बाद कल से भगवान देव सैनिक में माने सैन में जाएंगे, सैन करेंगे, और उसके बाद जब देव उठनी एकादशी होगा उसमें क्या है, शुभ कार्य इस बीच में बंद हो जाते हैं, देव सैनी होने से बाद शुभ कार्य सब बंद हो जाते हैं। लघु वेतन शासकीय कर्मचारी संघ जगदलपुर जिला अध्यक्ष सूरज खोबरागड़े एवं कार्यकारिणी प्रांत अध्यक्ष बसंतलाल जैन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला बस्तर जगदलपुर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत डोर मैट्रिक आश्रम शाला में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश के तहत रसोईया जलवाहक रात्रिकालीन चौकीदार के पद पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर अस्थायी रूप से नियुक्ति किए गए कर्मचारियों को मात्र 7,000 प्रति माह की दर से दिया जा रहा है, जबकि श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन के आदेश एवं कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर द्वारा निर्धारित कलेक्टर दर दैनिक वेतन भोगी के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को लगभग 9,660 रुपए दिया जा रहा है। इस प्रकार प्राइवेट ठेकेदार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कार्य कर्मचारियों को भी कलेक्टर दर रेट प्रदान किया जा रहा है। इन कर्मचारियों को 8 घंटे से भी अधिक कार्य किया जाता है, इसके बाद भी 7,000 दिया जाना कर्मचारियों एवं उनके परिवार के साथ घोर अन्याय है। इस बात को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम से पत्र दिया गया है। आगे क्या कार्रवाई होती है इसके आधार पर उच्च अधिकारियों को भी संघ द्वारा पत्राचार किया जाएगा। आपके द्वारा जो विषय हमें बताया गया है कि लौंडीगुड़ा अंतर्गत समग्र शिक्षा की 2 डॉर्मेट्री चल रही है, जिसमें से एक बालक और एक बालिका की है, एक लिमऊ पदर में है और एक हाथी दरहा में है। ये दोनों डॉर्मेट्री जो है समग्र शिक्षा द्वारा संचालित होती है, और वहाँ जो भी बच्चों के रहने के ऊपर में और रहने कर्मचारियों का खर्चा होता है वह समग्र शिक्षा द्वारा निर्धारित होता है, जिसे हॉनोरेरियम के रूप में देखा जाता है, जिसमें से पार्ट टाइम टीचर के लिए भी वहाँ पे एक राशि जारी की जाती है, साथ में असिस्टेंट कुक के लिए भी जारी होती है, और साथ में सपोर्ट स्टाफ जिसमें प्यून और चौकीदार होता है, एक चौकीदार, एक प्यून और एक कुक होता है। जहाँ तक ये विषय है इन्हीं का, इनके लिए 7,000 रुपये पर मंथ 22-23 के लिए निर्धारित था। इस नए वर्ष में अभी तक कोई भी हमारे पास नया अगर कोई परिवर्तन होता है इस राशि पर तो वो अभी तक हमें प्राप्त है, यदि कोई परिवर्तन होता है तो बढ़ी हुई राशि प्रदान की जाएगी। वर्तमान में चूंकि 7,000 रुपये ही निर्धारित है, इसलिए इन्हें 7,000 ही प्रदाय किया जा सकता है। सर, ये जो कर्मचारी हैं कहीं कभी भी आकर के आप लोगों को कुछ बताएं अपनी तकलीफ, इस संबंध में आप हमें आज तक उन्होंने किसी भी तरीके से संज्ञान में नहीं लाया है, परंतु जिस भी तरीके से संज्ञान में लाया उन्हें जानना हो तो हम इसको बताने के लिए तैयार हैं और इसमें पूरी सतर्कता से ये जवाब दे सकते हैं। दिनेश कुमार ठाकुर। कैसे आए थे यहाँ पे आप लोग? ये वही वेतन हम लोग का कम है। कितना कम कर दिए? 7,000। कौन सी पद में हो आप लोग? जलवाहक पद। क्या परेशानी आ रहा है? परेशानी आ रहा है अभी तो ऐसी, हम लोग का उम्र भी ऐसी बीत गया है, 15 साल हो रहा है, अब बढ़ाएंगे ऐसा है बोल रहे हैं, घुमाची रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। 7,000 में क्या
जिंदगी चलेगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग का वेतन। कितने लोग? हम सिर्फ 9 लोग हैं। मात्र 7,000 देना, इनके भविष्य इनके परिवार के साथ आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है, मानसिक रूप से शोषण हो रहा है, इसका हम पूर्ण विरोध करेंगे। और समय पड़ा तो इन कर्मचारियों को मांग को लेकर के हम आंदोलन, जैसे स्थिति आया तो आंदोलन भी करना पड़ेगा। कभी कभी कलेक्टर दर का दे देते हैं जब संघ वाले जब लिखा पढ़ी करते हैं, उसके बाद पुनः इनको 7,000 के रूप में 7,000 दे रहे हैं और ऊपर से धमकी देते हैं कि तुम संघ के पास जाओगे या आंदोलन करोगे तो तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 2007 से आज तक कर रहे, लगभग 15 वर्ष बीत चुका है। 15 वर्ष के कर्मचारियों को अधिकारी ऐसी निकाल देने की धमकी देते हैं, मतलब जानबूझकर इनके साथ शोषण कर रहे हैं। इन अधिकारियों के ऊपर में कार्यवाही होना चाहिए और इनका जब तक के ये नौकरी कर रहे हैं 7,000 के अतिरिक्त कलेक्टर दर का वेतन भुगतान होना चाहिए। ये हम मांग लेकर के आज यहाँ पर आए हैं और पुनः अधिकारी से मिलेंगे। अब अधिकारी के द्वारा क्या कार्रवाई होता है तो कुछ दिन हमको इंतजार करना पड़ेगा। बस्तर सांसद दीपक वैज व नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होने नारायणपाल एवं देवड़ा हाई स्कूल पहुंचे, जहां उनका स्वागत पारंपरिक रूप से ढोल नगाड़े के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माता सरस्वती की छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही नव प्रवेशित बच्चों को गणवेश एवं पुस्तक का वितरण भी अतिथियों द्वारा किया गया। इस दौरान नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने मांदरी नर्तक दल को 10,000 देने की घोषणा की, साथ ही साथ माता मंदिर के परिसर को समतलीकरण करवाने की घोषणा भी की। इसके पश्चात सांसद व विधायक ने छात्र दुर्घटना बीमा अंतर्गत मृतक छात्रों के पालकों को 1,00,000 रुपए का चेक भी वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद दीपक बैज ने कहा कि कड़ी मेहनत कर अच्छी पढ़ाई से आप अपने माता पिता और क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। कोई कलेक्टर तो कोई एसपी आज आपके ही बीच से बनेंगे, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी है। माता पिता और गुरुजनों को दिखाए रास्ते पर चलते हुए आपको पढ़ाई करना है। हमारी सरकार बच्चों को निःशुल्क गणवेश, किताबें, साइकिल और मध्यान्ह भोजन भी दे रही है, ताकि प्रदेश के बच्चे बेहतर शिक्षा मिल सके। भवन बना कर आए, स्कूल ने मैदान नहीं है, अगर जगह आ से तो अमन मत के मैदान दे कर आए। अगर मैदान खोदरा डिप का अगर आसे मैदान के समतलीकरण कराता है, अमन मत जवाब दे एमएलए और सांसद जो, ताकि अमन मत जो नया पीला है उन पीला मन का जब अमन मत अच्छा स्कूल के बढ़िया सजो मैदान अच्छा बना दे हो, ताकि उन मंचो खेल ब्रेड ने खेल समय ने पढ़ाई छाड़ू बाकी खेल समय तुमन मत खेल तो कैसे बढ़िया हो, ये चीज का जब मन मत सोच उनका तुमन मन का पैसा 2,00,000 रुपया मत दे उसे माता बहन मत पीला मन निश्चित रूप से तुमन मन के ये बढ़िया अच्छा काम हो जाए। मैं जब उनका एरिया में दखले फूटे उन रहे था, वास्तव में बहुत ज्यादा गड्ढा और बिल्कुल एकदम ठीक नहीं रहे था, लेकिन आज अगर रहता है उन लखू से तो वास्तव में बहुत सुंदर अच्छा मिट्टी पठानों से सरपंच विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग रेखचंद जैन के प्रयासों से जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नकटी सेमरा खुटपदर जीरा गांव एवं छोटे गरावंड खुर्द में 2,76,46,000 रुपए के नल जल योजना स्वीकृत हुआ, जिसका भूमि पूजन आज विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप हर गांव हर मोहल्ले के हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जो सुविधाएं पहले शहरी क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध थी, अब सुदूरवर्ती ग्रामीणों को भी उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी सरकार में हर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों के कारण आज ग्रामीण क्षेत्र में गांव-गांव तक पेयजल आपूर्ति के लिए कार्य आरंभ हुआ है। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव के साथ विधि विभाग के जिला अध्यक्ष अवधेश झा, इंटर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विजय सिंह, जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह भदौरिया, सरपंच जीरागांव सुखदेव बाकड़े, सरपंच खुटपदर रायबली नाग, पूर्व सरपंच खुटपदर सीरो नाग, सरपंच छोटे गरावंड खुर्द महादेव बघेल समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। का व्यवस्था को अच्छा करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं कि यहाँ के सरपंच जी बोले यहाँ नल जल योजना थोड़ा बना दो भैया,
इसके लिए हम लोग हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिलकर हमारे कूटपत्थर के लिए भी नल जल योजना के लिए राशि स्वीकृत कराए हैं। ये 56,58,000 यहाँ पर पानी का टंकी बनेगा 40,000 लीटर का, जिससे कोई पारा में जैसे पानी नहीं जा पाता या बोरिंग में पानी कम है तो पानी टंकी के माध्यम से तुम्हारा पानी घर घर तक जाए, ठीक है। इसके लिए 765 मीटर पाइपलाइन भी बिछा रहे हैं इसमें, है ना, और 170 परिवार को वो नल कनेक्शन भी उसके घर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने आज सिरासार स्थित भगवान जगन्नाथ स्वामी का दर्शन लाभ प्राप्त किया और बस्तर एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उसके पश्चात बस्तर गुंचा कमेटी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनसे चर्चा की। केदार कश्यप बस्तर गुंचा पर्व के अवसर पर बस्तर गुंचा पर्व में चलाई जाने वाली तुबकी का चालन किया। तुबकी चलाने की प्रथा बस्तर जिला में सदियों से चली आ रही है। केदार कश्यप के द्वारा भगवान जगन्नाथ को तुबकी की सलामी दी गई। आइए सुनते हैं केदार कश्यप ने प्रदेशवासियों के लिए क्या कहा। जगन्नाथ भगवान हम सबको खुशी रखे, परिवार को प्रदान करें। जो हमारी उसको धन धान से पूर्ण करें और विशेष तौर पर हमारे इस बस्तर के लोग भगवान जगन्नाथ के बड़ी भक्ति आराधना करते हैं और हम सभी मानते हैं। एक समय जब हमारा पूरा बस्तर उड़ीसा से मिला हुआ था और यहाँ पर जो हमारे 360 घर के हमारे यहाँ लगातार गुंचा का एक खपर होकर के आ रहे हैं और बहुत ही बुरी तरीके से कार्यक्रम हो रहा है और निश्चित तौर से हम सभी भगवान श्री जगन्नाथ जी के पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। हम सबको उनसे उन्होंने जो प्रदान किया है और इस तरीके से हमारे इस समाज ने यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के यहाँ पर जागरूक करने का काम किया है। उन्हें पार्टी परिवार है जिसका उसको कमरा लगा और हमारा पुस्तक ये शांति का टापू रहा है और एक दूसरे से मिल करके यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ में इन त्योहारों को मनाया जाता है। कलेक्टर विजय दयाराम के ने नानगुर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और तहसील कार्यालय का शाम को औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी की स्थिति, पुरुष वार्ड, ऑपरेशन कक्ष सहित अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य केंद्र में किए जा रहे रिनोवेशन कार्य के देरी के लिए नाराजगी जाहिर किया। उन्होंने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को दूरभाष में जीर्णोद्वार कार्य को जल्द पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। इसके उपरांत अस्पताल परिसर में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर केंद्र में भर्ती बच्चों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवा, बच्चों के वजन और उपस्थित पंजी का संज्ञान लिया। कलेक्टर ने केंद्र में उपस्थित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर से समन्वय कर कुपोषित बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही भर्ती बच्चों की माताओं को बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति सहज रहने की समझाइश दी। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।